एक चित्रकार के जुनून की कहानी। दरअसल कलाकार ने कड़ी मेहनत और हुनर से पत्ते और रिंग पर पवित्र काबा की एक ऐसी तस्वीर बनाई है जिस दुनिया की सबसे छोटी तस्वीर का खिताब हासिल हुआ है। अब इस कलाकार का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है। कला न उम्र की मोहताज होती है, न ओहदे न ही रुतबे की। इस बात को जम्मू कश्मीर के चित्रकार मुदासिर रहमान ने अपने हुनर से एक बार फिर साबित कर दिखाया है। मुदासिर ने अंगूठी और पत्ते पर अपनी रचना का संसार उकेर डाला और दुनिया के पटल पर पवित्र काबा की सबसे छोटी तस्वीर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करा लिया। पत्ते पर बनी ये काबा की दुनिया की सबसे छोटी तस्वीर है और ऐसी ही तस्वीर मुदासिर ने छोटी सी अंगूठी पर उकेर डाली। अंडाकार आकृति की इस अंगूठी मुदासिर की इस एक चित्रकारी ने उनका नाम एशिया बुक ऑफ इंडियन बुक रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। 26 साल के मुदासिर ऐसा कमाल करने वाले कश्मीर के इकलौते कलाकार हैं। मेरी जो पेंटिंग है और वो मैंने पेंसिल लिड के ऊपर और लीफ के ऊपर और रिंग स्टून के ऊपर यानी कि अंगूठी के नगीने पे जो मैंने काबा शरीफ की पेंटिंग बनाई तो वो एशियन बुक और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। मैं कश्मीर का पहला आर्टिस्ट हूँ जे एंड के का जिसका नाम एशियन और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया। अपनी कला को मुदासिर अल्लाह की नेमत मानते हैं। बचपन से ही उन्होंने रंगों ब्रश और कूची से खेलना शुरू कर दिया था। अपनी कल्पना को कागज पर उकेरना शुरू कर दिया था। भावनाओं का सागर चित्रों में उड़ेलना शुरू कर दिया था। तो मेरा जो थीम रहता है वो सोशल इशू के ऊपर ज्यादा रहता है यानी कि एक्सप्रेशन के ऊपर इमोशन पेन। तो एक आर्ट का जो ताल्लुक होता है वो इंसान के इनर सोल से होता है। मुदासिर ने अपनी रचनाओं के संसार में सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों को घोलना शुरू किया और रंगों और कूची से कागज पर उतार कर संदेश देना शुरू किया। सोशल मीडिया के जरिए उन्हें पहचान मिली, फिर तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। मैं कंटेम्परेरी आर्ट करता हूँ, वर्ल्ड लेवल पे जो पीस के रिलेटेड मैं काम करता हूँ, ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, तो मेरा काम इसी के ऊपर ज्यादा रहता है। मुदासिर का कहना है कि कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं, बस उनकी कला को प्रदर्शित करने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, फिर तो ऐसे कई मुदासिर और ऐसे कई रिकॉर्ड कश्मीर की कला के नाम दर्ज होंगे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ गुड न्यूज़ टुडे।